रिलेशनशिप में जब भी आपको पार्टनर इग्नोर करे, उस सिचुएशन में तुरंत कुछ ऐसे काम करो जिस वजह से सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से सिचुएशन खराब होने लगती है। यकीन करो, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काई। रिलेशनशिप में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इग्नोरेंस वाली सिचुएशन हमें बार बार देखने को मिलती है। कई बार हम पार्टनर से बहुत ज़रूरी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इरिटेशन बढ़ता है, डिस्टर्बेंस बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, और हम ये चाहते हैं कि बस किसी तरीके से ये सिचुएशन ठीक हो जाए। कई बार तो हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं जिस वजह से हमारा बिहेवियर काफ़ी निगेटिव हो जाता है, और इस निगेटिविटी के वजह से पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि जब भी वो आपको इग्नोर करे, एक सिचुएशन, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो और बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई जिस वजह से आपके बीच में फाइट्स हो रही है, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने बात को बंद कर दिया, तो तुरंत उसी सिचुएशन में उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो और बुरा मान जाएंगे। चलो मान लो अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि वो समझेंगे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, जब रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हम उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप को टाइम होता है तो जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इरिटेट होने लगते हैं। तो आप सिचुएशन को पहले से कंपेयर मत करो कि पहले मैं तो 20 कॉल करता था तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, वो मान जाते थे। वो सिचुएशन और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। कंपेयर कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। इसीलिए आप इस बात को समझो, रिलेशनशिप को टाइम हुआ है और आपके बीच में प्रॉब्लम्स है, उस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। थोड़ा स्पेस आप अगर लेते हो तो उन्हें भी समझ में आएगा कि कुछ गलतियाँ उनके साइड से भी हुई है, और आपको भी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। और यकीन करो, समय देना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें समझाने की कोशिश ही मत करो, लेकिन तुरंत अगर उसी वक्त समझाने की कोशिश करोगे तो यकीन करो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। टाइम देने से मत डरो। हम स्पेस देने से डरते हैं, हम ये सोचते हैं कि उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया है, और अगर हम नहीं समझाएंगे, कॉल्स नहीं करेंगे, तो वो हमें और ब्लॉक करेंगे और इग्नोर करेंगे, और इस डर के वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको टाइम देने से नहीं डरना है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, ओवर रिएक्ट मत करो। जो हम करते ही करते हैं, तुमने मुझे कैसे ब्लॉक कर दिया, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, ये वो सारी बातें हम इतना रिएक्ट कर देते हैं जिस वजह से सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हम खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसीलिए आपको ओवर रिएक्ट करके उन्हें नहीं समझाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3-4-5 घंटों के लिए आपकी बात ना हो। अब 3-4-5 घंटे बात नहीं हुई तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। अगर आपके मन में ये डर है तो यकीन करो आपका रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो आपको डरना नहीं है टाइम देने से। 3-4 घंटे, 1-2 दिन बात नहीं होगी, और अब ये मत सोचो कि 1-2 दिन बात नहीं हुई तो पार्टनर किसी और के साथ चले जाएगा, पार्टनर भूल जाएगा। अगर 1-2 दिन बात नहीं होने की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है सच में, तो आप समझ लो कि ये रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। और अगर आप 1-2 दिन टाइम देने से डर रहे हो तो आप हर दिन खुद भी कमज़ोर बन रहे हो और अपने रिश्तों को भी कमज़ोर बना रहे हो। तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा टाइम देना है। खुद के साइड से भी अगर गलती हुई है तो उस गलती को बार बार उनके सामने मत लेके जाओ कि मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। 1-2 बार सॉरी बोल दिया, वो नहीं सुन रहे, ठीक है 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ा स्पेस ऐड करने से मत डरो। हो सकता है कि बाद में आप ही बातचीत करो, अगर आपको लगता है कि ठीक है बात करने की वजह से सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो आपको बात करनी चाहिए खुद से, और ये देखो क्या वो समझ रहे हैं या फिर नहीं।
ऐसा नहीं कि आपने 10 घंटे बात नहीं की और 10 घंटे के बाद फिर से उन्हें इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया, ये भी आपको नहीं करना है। तो आपको हमेशा ये देखना है, अगर वो बात सुन रहे हैं, एटलीस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उनसे बात करो। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ प्राइवेट रहेगी, तो बिल्कुल भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए।